हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज के स्टूडियो में आपके लिए अपडेट है पटना हाई कोर्ट की तरफ से, तो बने रहिए स्टूडियो में मेरे साथ। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट की तरफ से लाइब्रेरी असिस्टेंट की कुल 20 वैकेंसियों के लिए नोटिफिकेशन निकाली गई है और इन सभी 20 वैकेंसियों के लिए जो नोटिफिकेशन निकाली गई है उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इन सभी 20 लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसियों पे अगर बात करें आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो यहाँ जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन मोड से भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं 11/7/2022 से और जो भी कैंडिडेट इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे वो 24/7/2022 तक इन सभी 20 लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसियों को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपकी जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट रखी गई है वो 26/7/2022 रखी गई है। इस नोटिफिकेशन में लाइब्रेरी असिस्टेंट की जो वैकेंसियां निकाली गई हैं ये सभी ग्रुप सी की वैकेंसियां हैं और पटना हाई कोर्ट द्वारा निकाली गई ये सभी वैकेंसियां जो हैं ये परमानेंट वैकेंसियां हैं। और लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका जो पे स्केल रहेगा वो 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए के बीच में रहेगा। यानी कि कैंडिडेट की जो बेसिक पे है वो 19,900 रुपए है और बाकी के सारे अलाउंसेज मिलाकर जो कैंडिडेट को एक्चुअल सैलरी मिलेगी वो लगभग 30,000 रुपए महीना मिलेगी। इस नोटिफिकेशन में इन सभी 20 लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसियों को अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग बांटा हुआ है, जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कुल कितनी वैकेंसियां रखी गई हैं। अब बात करें यहाँ पे आपकी एज लिमिट के बारे में, तो इन सभी वैकेंसियों पे जो मिनिमम एज लिमिट रखी गई है वो 18 साल रखी गई है। आपकी एज लिमिट को चेक करने के लिए जो क्रूशियल डेट रखी गई है वो 1 जनवरी 2022 रखी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए वो 37 साल रखी गई है। जनरल और ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 साल रखी गई है। बीसी और ईबीसी मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरियों में जो आपकी अपर एज लिमिट रहेगी वो 40 साल रहेगी। एससी और एसटी मेल और फीमेल दोनों के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 42 साल है। ओएच कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 47 साल है। उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे उनके जो है अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाएगी। अब बात करें यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन चेक करने की कट ऑफ डेट रखी गई है वो 1 जनवरी 2022 रखी गई है। उसके अलावा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है उसमें कैंडिडेट ने जो है वो इंटरमीडिएट कर रखी हो, साथ ही कैंडिडेट के पास डिप्लोमा हो लाइब्रेरी साइंस का या लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का। उसके अलावा कैंडिडेट के पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो जिसकी ड्यूरेशन कम से कम 6 महीने हो कंप्यूटर कोर्स का। तो जो भी कैंडिडेट ये सारी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया मीट करते होंगे वो लाइब्रेरी असिस्टेंट की इन सभी 20 वैकेंसियों को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो इन सभी वैकेंसियों पे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट प्लस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बेसिस पे होगा। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं आपके रिटन टेस्ट में वो 40% नंबर रखे गए हैं और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के टेस्ट में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं वो 30% नंबर रखे गए हैं। आपके रिटन टेस्ट की अगर बात करें तो आपका जो रिटन टेस्ट होगा ये कुल 100 नंबर का होगा। इस पेपर में कैंडिडेट से जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो रिटन टेस्ट होगा ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंडक्ट कराया जाएगा और इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का यहाँ कुल 60 नंबर का सेक्शन रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर का कुल 20 नंबर का सेक्शन रहेगा। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग का यहाँ पे कुल 20 नंबर का सेक्शन रहेगा। और इन सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है उसकी डिटेल भी इन्होंने यहाँ बता रखी है कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो इन सब्जेक्ट्स के पूछे जाएंगे। तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग कैंडिडेट इस रिटन टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं और जो भी कैंडिडेट सक्सेसफुली इस रिटन टेस्ट को क्लियर करेंगे उन सब कैंडिडेट्स को जो है वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और इन सभी वैकेंसियों पे कैंडिडेट का जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें कैंडिडेट के रिटन टेस्ट प्लस में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट दोनों के नंबर जो है वो कंसिडर किए जाएंगे और इन दोनों एग्जाम के बाद कैंडिडेट की जो है वो सिलेक्शन के लिए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इन सभी वैकेंसियों पे कैंडिडेट का जो एग्जाम होगा वो पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में होगा। अब बात करें आपकी एग्जामिनेशन फीस के बारे में, तो जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो फीस रखी गई है वो 1,000 रुपए रखी गई है। एससी, एसटी और ओएच कैंडिडेट के लिए जो फीस रखी गई है वो 500 रुपए रखी गई है। आपकी यहाँ पे जो फीस पेमेंट की जाएगी वो सिर्फ ऑनलाइन मोड से की जाएगी। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट भी बताए हैं कैंडिडेट को, ये सभी डॉक्यूमेंट जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त अपलोड करने होंगे, तो इन डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके अलावा जो कैंडिडेट को अपना फोटोग्राफ और साइन की इमेज अपलोड करनी है और जो भी सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं उसके रिगार्डिंग भी इन्होंने कुछ यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया बता रखा है जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।